लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। देश के लोकसभा चुनाव की दिल्ली में इस बार देखा जाए तो चुनाव की तारीख थोड़ा लेट जरूर आ रही है, लेकिन आपको बता दें कि उससे पहले प्रत्याशियों के अंदर और उनके कार्यकर्ताओं के अंदर किस तरीके का जोश है वो हम आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली में 25 मई को 700 सीटों पर चुनाव होगा और उससे पहले किस तरीके से वोटिंग से पहले जो समर्थक हैं वो अपने प्रत्याशी का स्वागत कर उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें राजधानी दिल्ली के महिपालपुर वार्ड की हैं जो कि बिजवासन विधानसभा पड़ता है, और यहाँ पर देखिए दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के प्रत्याशी सही राम पहलवान का किस तरीके से यहाँ पर स्वागत जो है वो कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है, चाहे वो युवा कार्यकर्ता हों या क्षेत्र के लोग हों। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सही राम पहलवान का जो स्वागत है वो कर रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ साथ यहाँ पर फूलों की बारिश होकर ये स्वागत किया गया। उसके बाद यहाँ पर स्वागत समारोह के साथ साथ कार्यालय है उसका भी उद्घाटन किया गया। विकास सहरावत है जिनकी अध्यक्षता में ये पूरा कार्यक्रम हुआ, इसमें तमाम लोग अनिल प्रधान वो यहाँ पर पहुँचे, मंजीत सहरावत हैं वो पहुँचे, साथ ही तमाम और लोग हैं जिनके हम नाम आपको बताते हैं। जिस तरीके से आपको बता दें कि महिपालपुर बिजवासन विधानसभा के विधानसभा संगठन मंत्री मनीष, महिपालपुर वार्ड की अध्यक्षा हिमारी रानी, मंजीत सहरावत विधानसभा अध्यक्ष धीरज राणा और बलदेव समेत तमाम जो क्षेत्र के लोग हैं वो पहुँचे, नंबरदार हैं वो यहाँ पर स्टेज पर आपको दिख जाएंगे, वो पहुँचे महिपालपुर से नंबरदार हैं वो हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से बुजुर्गों के द्वारा जो प्रत्याशी हैं सही राम पहलवान उनका स्वागत जो है वो किया जा रहा है, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो पहुँचे हैं, और यहाँ पर भरोसा दिलाया गया कि महिपालपुर वार्ड की तरफ से आम आदमी पार्टी के सही राम पहलवान प्रत्याशी जो हैं उनको पूरी तरीके से जीत दिलाई जाएगी, क्योंकि लगातार जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो तो ही हैं, साथ ही साथ जिस तरीके से कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के साथ जुड़े हैं उनके अंदर किस तरीके का जोश है वो आपको हम दिखा रहे हैं कि ये जोश आप देखिए, चाहे वो नारी शक्ति की बात की जाए, महिलाओं के अंदर जो महिलाओं की पूरी जो टीम है वो भी लगातार जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो काम कर रहे हैं, डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली में 25 मई को चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले क्योंकि तारीखों का ऐलान जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कर दिया गया, उसके बाद चाहे महिलाएं हो वो अपने प्रत्याशी का स्वागत कर रही हैं, चाहे पुरुष हो सभी लोग स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये स्वागत की कड़ी इसीलिए है भी क्योंकि ये स्वागत अब जीत में तब्दील होना है, क्योंकि 4 जून को नतीजे आएंगे, नतीजों से पहले जिस तरीके से प्रत्याशी का स्वागत किया जा रहा है वो स्वागत लगातार दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जो है सही राम पहलवान उन्होंने बताया कि वो पहलवानी का कोई भी गुण यहाँ नहीं छोड़ेंगे, और जो भी विरोधी हैं जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको चारों खाने चित करा देंगे, और हालांकि उनकी उम्र का जरूर वो लिहाज करेंगे, उन्होंने कहा मीडिया से बात करते हुए कि वो हमारे बड़े भाई हैं उनका हम लिहाज जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें महिलाएं देखिए किस तरीके से जोश में नाचते गाते नजर आ रही हैं, और ये जोश आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का है, और जोश इसलिए भी है क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जो है क्षेत्र में जो पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिला रहे हैं और लगातार जो है लोगों को समझा रहे हैं, क्योंकि खास तौर पर महिलाओं को लेकर अभी जो बजट के अंदर जो घोषणा करी गई दिल्ली सरकार की तरफ से कि 18 साल की उम्र की जो भी महिला बच्ची बहनें होंगी उनको 1,000 रुपये महीना मिलेगा, उसको लेकर भी चुनावी कहीं ना कहीं ये स्टंट लिया भी गया है, ये चुनावी स्टंट के साथ साथ कितना फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा ये देखना होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी का यहाँ पर एक जोरदार स्वागत जो है महिपालपुर वार्ड में किया गया, विकास सहरावत के द्वारा ये पूरा कार्यक्रम जो है वो किया गया था, जिसमें आपको बता दें अनिल प्रधान जो है वो विधानसभा संगठन मंत्री मनीष मुख्य रूप से यहाँ पर रहे, और विकास सहरावत के साथ साथ यहाँ पर संगठन मंत्री जो है उनके बारे में आपको बताया, अध्यक्षा है महिपालपुर वार्ड की अध्यक्षा है हिमानी रानी, मंजीत सहरावत विधानसभा अध्यक्ष धीरज राणा, बलदेव आदि लोग जो है वो मौजूद रहे, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से पूरा कार्यक्रम है और किस तरीके से अपने प्रत्याशी को जीत का भरोसा दिलाया वो अब हम आपको सुनाते हैं। विकास सहरावत के द्वारा कहा गया और अनिल प्रधान ने किस तरीके से उनका जोरदार स्वागत किया उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुनी की ये खबर अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अगर डेली हंट पर आर सुनीज को देख रहे हैं तो डेली हंट पर भी आर सुनीज को फॉलो करें, कमेंट करें, लाइक करें। आर सुनीज को लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की खास रिपोर्ट आर सुनीज न्यूज पर। काम की राजनीति करती है, काम पे वोट मांगती है। आप पानी के बिल, बिजली के बिल, बसों के किराया और अब 1,000 रुपए महिलाओं को हर महीना देने का अरविंद जी ने काम किया है।
साथियों, इन्हीं सब कामों को देखते हुए मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं, एक विनती करता हूं कि साथियों, ऐसा सांसद चुने जो जमीनी स्तर का नेता हो। सही राम जी दो बार से विधायक है और हर आदमी से परिचित है अपनी विधानसभा में, तो ग्राउंड का नेता आप। सही राम जी दो बार के विधायक हैं और सही राम जी जमीनी स्तर के नेता हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसा सांसद चुने जो आपका मान करे, आपका सम्मान करे, ना कि किसी को आप अपनी भाषा से जाके किसी को बोले। मेरी आपसे विनती है कि मैं फिर से गुजारिश करता हूं कि सही राम जी को चुनो जो हमेशा आपके साथ खड़े रहे। सांसद हमेशा ऐसा चुनो जो आपके लिए अड़ सके, जो आपके लिए लड़ सके। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, सही राम जी की पालन में भी अभी कोई सभा है तो इन्होंने बोला था कि थोड़ा जल्दी करके करना, मैं सुबह से जल्दी कर रहा हूँ, तो मेरी आपसे गुजारिश है। और मैं पहलवान जी को अपने महिपालपुर वार्ड के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, अपने युवा साथियों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप ये वार्ड जीत रहे हैं। और इसी के साथ अब सब कुछ आपके ऊपर है, हमारा क्षेत्र। श्री श्री राम जी हमारे बुजुर्ग, मैं ठेकेदार जी, लोकेश पहल जी, रणवीर जी, दशेश्वर जी, नम्रद्वार जी और मातृशक्ति और गांव के सारे बुजुर्ग और नौजवान साथियों, जैसा आपको पता है कि अब लोकसभा के पिछले उठ चुका है। साथियों, ये मोदी की जो है ना जुमला गारंटी नहीं है, ये केजरीवाल की गारंटी है। जो कहा है वो किया है, चाहे शिक्षा पे लो, स्वास्थ्य पे लो, बिजली पे लो। श्री राम जी चुनाव की घोषणा हो गई, अब क्या कहेंगे, काफी वक्त भी किया आपको चुनाव प्रचार के, उसका सदुपयोग करेंगे, आराम करेंगे या फिर ज्यादा आपको मौका मिला लोगों के पास? नहीं नहीं, देखिए आराम का तो मतलब ही नहीं है, मैं तो पिछले 27 साल से लगातार सीट पे हूँ, तो आराम का तो मतलब नहीं, आराम तो की जरूरत ही नहीं है हमें। आपके जो प्रतिद्वंदी है वो क्या करेंगे, आराम करेंगे या फिर उनको भी मौका मिल गया ज्यादा मिलने का लोगों से? अब ये तो वो ही बता सकते हैं। आपके जो अनुभव है उसके हिसाब से क्या लगता है? वो अब बुजुर्ग हो चुके हैं, अब उन्हें आराम की जरूरत है, आराम करना चाहिए। अच्छा, आज केजरीवाल जी को कोर्ट से बेल मिल गया है, कितनी राहत मिलेगी इस चुनाव में? देखिए, ये बीजेपी की एक धारणा थी कि उन्हें उठा के जेल में डाल दो, जिससे वो लोकसभा में ना दिल्ली में प्रचार कर पाएंगे ना पंजाब में। और मैं कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ, कोर्ट ने एक सच्चाई का फैसला दिया है, एक सच का साथ दिया है, सत्य का साथ दिया है। महिपालपुर में अभी आप पहुंचे हैं, किस तरह का जनसमर्थन मिल रहा है? देखिए, मेरे ऊपर तो अनऑथराइज कॉलोनी हो, दिल्ली देहात के गांव हो, मैं पहलवान आदमी रहा हूँ, शुरू से उनके साथ जुड़ा रहा हूँ। पहले पहलवान था, फिर कबड्डी खेली, तो एक स्पोर्ट्समैन को यहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं, तो उनका भरपूर समर्थन, प्यार, आशीर्वाद मिल रहा है मुझे। अच्छा, यहाँ के विधायक आपके साथ नहीं दिख रहे हैं? नहीं, वो अभी दूसरा प्रोग्राम करके आगे चले गए हैं। अच्छा, चुनाव में क्या पहलवान का ट्रिक अपनाएंगे आप चुनाव में? तो मैं अपनी पहलवानी क्यों छोड़ूं भाई? मैं अपनी पहलवानी क्यों छोड़ूं? दूसरे पार्टी को पटकनी देंगे आप चुनाव में? पहले कई बार दे चुका हूं। अच्छा। एक बार नहीं, जो आपके यहाँ आ रहे हैं चुनाव लड़ने भारतीय जनता पार्टी के निगम में, एक बार नहीं 7 बार उन्हें पटकनी दे चुका हूँ मैं। उम्र ज्यादा है, थोड़ा लिहाज करेंगे? नहीं, मेरे बड़े भाई, पूरा लिहाज करूंगा। आज इंडिया एलायंस के उम्मीदवार यहाँ पे आए, किस तरह का समर्थन है? समर्थन तो आपके सामने आपने दिखाई दिया है कि जनता का समर्थन कितना था, और बहुत ही छोटे शॉर्ट पीरियड में ये जनसभा की गई थी। विकास ने कल बुलाया था, हमें टाइम लिया था, अब ये 5 घंटे में ये जनसभा आपको जन सैलाब दिखाई दे रहा होगा, पब्लिक का कितना जन सैलाब है। और पहलवान जी तो हनुमान भगत है, राम भगत तो है ही है, हनुमान भगत भी हो गए पहलवान है, तो यूथ उनके साथ है ही, खिलाड़ी है तो यूथ साथ हो गई। मात्र शक्ति 1000 रुपए की जो घोषणा करी उससे हमारे साथ आ गए। अब विकास से इतने शॉर्ट टाइम पे इतनी भीड़ दिखाई आपने, ये तो काफी वक्त मिल गया। ये शॉर्ट टाइम पे भीड़ अरविंद केजरीवाल जी के लिए आई है, जो इन्होंने पानी के बिल, बिजली के बिल और
बसों का किराया अब महिलाओं को 1000 रुपये सम्मान प्रति महीने 1000 रुपये के हिसाब से कर रहे हैं। तो ये सारा जोश और ये सारी ताकत ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के लिए है। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सातों की सातों दिल्ली की सीटें जीतने वाले हैं। जो इंडिया गठबंधन है ये जीतने वाला है। और इसके साथ साथ भाजपा ने जो सीटें काटी हैं सभी सांसदों को उड़ा दिया, वो इसीलिए उड़ाया है क्योंकि उन्होंने ना ही काम किया था और दुनिया को परेशान, अभद्र भाषा का प्रयोग, ये सब उनके सामने आ रहा है। और हमारे तो जो कैंडिडेट है उनका नाम ही सही राम है, तो जय श्री राम। और बिल्कुल क्या कहेंगे आज आप लोग, जिस तरीके से आप लोग अपने उम्मीदवार के यहाँ पर साथ दे रहे हैं, चुनाव में किस तरीके का रंग लाएगा ये? देखिए जी, ये हमारी मेहनत नहीं है, ये कहीं ना कहीं केजरीवाल जी के कामों की मेहनत है। एक शॉर्ट टाइम में इतना बड़ा जन सैलाब खुद ब खुद उमड़ता है, किस वजह से कि हाँ भैया दिल्ली के अंदर केजरीवाल जैसा कोई ना नेता है ना होगा। आम आदमी पार्टी ने इतने अच्छे काम किए हैं कि भैया हमें ना गिनवाने की जरूरत नहीं है। सबसे बेहतरीन काम जो अब किया है केजरीवाल जी ने, अपनी माता बहनों के लिए 1000 रुपये हर महीने, देखो कौन सोचता है गरीबों की, सिर्फ आम आदमी पार्टी सोचती है। आज के टाइम में काम के ऊपर कौन वोट मांगता है, विकास पर कौन वोट मांगता है? अगर असल मायने में किसी ने विकास किया है, गरीबों की किसी ने सोची है, तो अरविंद केजरीवाल है। आप लोग समर्थन है वो कर रहे हैं अपने उम्मीदवार का, वोटरों को कैसे जाएंगे डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए? देखिए, हम पार्टी के जितने सभी कार्यकर्ता हैं सभी ने एक मीटिंग कर ली है कि घर घर जाकर आम आदमी पार्टी का प्रचार करेंगे और लोगों को समझाएंगे कि आपको जो है ना एक साइकोलॉजी दबाव बनाया गया कि बीजेपी आ रही है, बीजेपी आ नहीं रही, बीजेपी जा रही है। क्योंकि बीजेपी के जो है ना अंधभक्त, उनको ये नहीं पता कि बीजेपी आ रही है या जा रही है। बीजेपी जा रही है क्योंकि उन्होंने जब इसी कारण अपने सारे कैंडिडेटों के टिकट काटे हैं ताकि उनके भ्रष्टाचार दब जाए, नया चेहरा लाया जाए, ताकि फिर हम दोबारा एक जुमला छोड़े, उसका जुमले का नाम अब गारंटी धर दिया। लोग बागों को ये समझाना होगा ये गारंटी नहीं, एक जुमलेबाज है और जुमलेबाज की सरकार है। बीजेपी हटाओ और देश बचाओ भाई, यही नारा।